राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ है। ममता दीदी जो तय करेंगी, सपा उसका पूरा समर्थन करेगी। यह बात मंगलवार को अखिलेश यादव ने अयोध्या में कही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को 21 दलों की बैठक बुलाई है। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। विपक्षी दल की यह बैठक एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मात देने को लेकर हो रही है। इस बैठक में अखिलेश के अलावा रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को भी बुलाया गया है। यह नए राजनीतिक समीकरण बनने की तरफ से भी इशारा कर रहा है। मंगलवार को राकंपा नेता शरद पवार ने भी ममता से दिल्ली में मुलाकात की। दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 29 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर अखिलेश और जयंत ममता का साथ देते हैं तो कहानी कुछ और बन सकती है। ये लोग यूपीए से पहले ही अलग हो चुके हैं। ऐसे में अगर 21 दलों में सहमति बन जाती है तो नया विपक्षी मोर्चा भी बन सकता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एनडीए के पास करीब 10,000 वोट कम है। यह कमी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर पूरा कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष अगर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा यानी एनडीए को मात देना चाहता है तो उसे इन दोनों नेताओं को अपने खेमे में लाना ही होगा। हालांकि कुछ विपक्षी दल कांग्रेस को नाखुश नहीं करना चाहते, इसलिए वे ममता बनर्जी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।